ये क्या एक रिंग है जिसकी रेडियस कितनी है आर, यहां पे चार्ज क्या है प्लस क्यू। इसकी इसमें हम एक राड रख दिए, क्या रख दिए राड है। इस राड की लेंथ कितनी है इनफाइनाइट, कितनी है इनफाइनाइट, समझ रहे हो ना। और इसमें जो चार्ज है आवेश हो क्या लेमडा कूलाम पर मीटर। फिर देखो यह आपका एक रिंग है वलय है जिसपे चार्ज कितना है प्लस क्यू, इसमें हमने एक क्या रख दिया इनफाइनाइट यानी अनंत लंबाई का एक चालक तार जिसपे आवेश घनत्व कितना है लेमडा कूलाम पर मीटर, इसके वजह से इस पे बल कितना लगेगा वलय के कारण, वलय के कारण अनंत लंबाई के, अनंत लंबाई के चालक तार, चालक तार पर लगने वाले बल की गणना कीजिए, पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए, लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। ज्ञात ठीक है, इसके लिए क्या करोगे देखो, इस पे बल इसके वजह से लगेगा, इसके वैद्युत क्षेत्र की वजह से लगेगा, इस पे बल किसके वजह से लगेगा इसके वैद्युत क्षेत्र की, लेकिन यहां पे कोई वो कोई बिंदु चार्ज नहीं है, ये चार्ज सब पे क्या है डिस्ट्रीब्यूट है। तो इसके लिए हम बताए थे कि जब भी कोई चालक तार में आवेश वितरित हो तो लंबाई वाले चालक तार को तोड़ने का एक तरीका बताए थे, छड़ को तोड़ने का एक, रॉड को तोड़ने का एक तरीका बताए थे, क्या यक्ष डिस्टेंस पर जाकर, यक्ष डिस्टेंस पे जाके क्या करोगे डी एक्स ले लेंगे, यक्ष डिस्टेंस पे जाके डी एक्स, और इसकी वैल्यू कितनी होगी डी क्यू, डी क्यू चार्ज होगा देखो, क्योंकि पूरा चार्ज कितना है इस पे लेमडा कूलाम है पर मीटर है, कोई चार्ज होगा डी क्यू, और इस पे कोई चार्ज क्यू होगा, और यहाँ पे क्या ले लिए डी क्यू चार्ज हुआ ना छोटा सा पार्ट, डी क्यू की वैल्यू क्या लिखोगे बताओ लेमडा इंटू डी एक्स, लेमडा इंटू डी एक्स होगा ना, कैसे हुआ लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स, याद रखो लेमडा इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स, इसलिए डी क्यू इज इक्वल टू लेमडा इंटू डी एक्स हो गया। अब इस छोटे से चार्ज पर इसके वजह से एक बल लगेगा, इसके वजह से बल लगेगा, और उस बल का मान भी क्या होगा डीएफ, क्या होगा बताओ डीएफ इक्वल टू, डीएफ इक्वल टू क्या लिखोगे के क्यू, के क्यू डी क्यू, नहीं समझे के वाले इसकी वैद्युत क्षेत्र लिखो के क्यू यक्स अपान, तो Q के साथ क्या लिखोगे DQ, DQ वैल्यू क्या है लैम्डा इनटू DX इनटू यक्स, भाई यक्स उसके साथ रहेगा ये अपान R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर पे 3 बाई 2। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं किसी को, देखो इसके वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे ना, समझ लो जो नहीं समझ आया, इज इक्वल टू क्या लिखोगे K Q X अपान R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, लेकिन जब फोर्स लिखते हैं तो या फिजिकल टू क्या लिखते हो E into Q, तो Q कौन सा है DQ है, तो DQ की जगह क्या लिखोगे लैम्डा into DX, तो ये तो मैं लिखा हूं यहां पे देखो KQ लैम्डा into DX पहले लिख दिया हूं, X बाद में लिखा हूं, समझ गए नहीं समझे। अरे इसके वजह से E की वैल्यू पढ़े हो ना, E की वैल्यू KQX R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, घर पे पढ़ते नहीं तो ठीक है, बाकी जब एफ करोगे तो क्या लिखोगे एफ इक्वल टू पड़े हो क्यू इंटू ई, अब नहीं समझे कहीं नहीं समझ पाओगे, ई की वैल्यू क्या रखोगे ई की वैल्यू हो गया क्यू की वैल्यू लैम्डा इनटू डी यानी डी क्यू रखोगे वहां पे ठीक है। ये छोटे से पार्ट के लिए है, किसके लिए है छोटे से पार्ट के लिए, अब बताओ ये पार्ट कितना लंबा है, बहुत दूर है, बहुत लंबा है ना, तो टोटल बल की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे बताओ, इसका इंटीग्रेशन करोगे किसका डीएफ का, किसका करोगे डीएफ का, कहां से x इक्वल टू जीरो से लेकर कहां तक इनफाइनाइट तक, ये क्या निकला एफ नेट, क्या निकला बोलो ठीक है, या इसको क्या लिखोगे एफ नेट इक्वल टू जीरो से
इनफाइनाइट और यह क्या लिखोगे के क्यू लेमडा डी एक्स इंटू एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे थ्री बाई टू। ठीक है, या एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, के क्या कॉमन ले सकते हो, के क्यू लेमडा, के क्यू लेमडा और यहां क्या बच गया एक्स इंटू डी एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और थ्री बाई टू जीरो से इनफाइनाइट। क्लियर, अब आप क्या करोगे, हमको इसका डिफरेंशिएशन करना है, इंटीग्रेशन करना है और समाकलन करना है। क्या करना है, समाकलन। तो कैसे करेंगे समाकलन, इसको समाकलन करने के लिए क्या करो, एक माना आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो टी स्क्वायर, इस पूरे को हम क्या मान लें टी स्क्वायर मान लो। अच्छा, अब जिसको हम मानते हैं, समाकलन में ध्यान रखो, जिसको हम मानते हैं उसका हम क्या करते हैं अवकलन। अब किसके सापेक्ष करोगे, एक्स के, किसके सापेक्ष करोगे एक्स, क्योंकि एक्स चेंज हो रहा है तो आर का खत्म हो जाएगा, कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का जब अवकलन करोगे क्या होगा, टू एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर का हो गया टू टी इंटू डी टी, टू से टू कैंसिल, एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या आ गया बताओ टी इंटू डी टी। अब इसका मतलब एक्स इंटू डी एक्स क्या लिख सकते हो, बोलो टी इंटू डी टी और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या माने हो टी स्क्वायर। तो यहां पे रखोगे टी स्क्वायर पे थ्री बाई टू, टू से टू कैंसिल, एक टी से एक टी कैंसिल, तो यानी इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या बताओ, डी टी अपान टी स्क्वायर। नहीं समझे, इसको आप साइड में लिख लेना समझने के लिए। अब बताओ कहां से इसका इनफाइनाइट कैसे लोगे, देखो यहां पे क्या लिए हो जीरो, एक्स इक्वल टू, तो जब यहां चूंकि ये टी के रूप में यहां पे जो लिए थे आप एक्स के फॉर्म में लिए थे, लेकिन यहां किसके फॉर्म में लेना है टी के, तो यहां पे बताओ एक्स इक्वल टू क्या रखो जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो रखोगे तो टी स्क्वायर यानी क्या आ जाएगा आर, क्या हो जाएगा, अरे देखो एक्स इक्वल टू जब जीरो रखोगे तो यहां आर स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर हो जाएगा, तो जीरो हो गया स्क्वायर से स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो गया आर। ऊपर जब एक्स इक्वल टू इनफाइनाइट रखोगे आर तो रेडी, ये तो कांस्टेंट है, इसमें कोई चेंजिंग होगी नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। बस यही आपका क्या निकल गया, यहाँ पे लिख लो वैल्यू क्या रखोगे, के क्यू लेमडा इक्वल टू एफ नेट। बोलो अब इसी का आप क्या करेंगे समाकलन, तो इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या लिखोगे, क्योंकि प्रैक्टिस जब कर लोगे ना तो इसके बाद ही चाहो तो ऐसा डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन प्रैक्टिस नहीं है, जान नहीं रहो, इसलिए स्टेप बाय इसको ले जाओ ऊपर, तो क्या लिखोगे टी पे माइनस टू इंटू डी टी, कहां आर से इनफाइनाइट, या इसको क्या लिख सकते हो बताओ, जब आप प्लस वन रखोगे तो क्या हो जाएगा समाकलन कैसे करते हो, एक्स टू द पावर एन इंटू डी एक्स की वैल्यू होती है एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन, पावर में एक ऐड करते हैं और फिर आर से इनफाइनाइट। ठीक है, अब इसको क्या लिख दोगे, अब इसको लिखो एफ नेट इक्वल टू के क्यू लेमडा, इसको हम लिख देता हूं, देखो एटी पे माइनस वन हो जाएगा, अब माइनस वन सीधे वन माइनस वन लिख देंगे, तो पहले लिखोगे क्या अपर लिमिट माइनस वन अपन इनफाइनाइट माइनस, नहीं समझ पाएंगे सब, समझ पा रहे ना, फिर चलो लिखना पड़ेगा वन अपन टी आर से इनफाइनाइट। ठीक है, अब कहाँ लिखे यार, चलो यहां से यहां पे ध्यान रखना, तो ये हो गया एफ नेट इक्वल टू के क्यू लेमडा माइनस वन अपन इनफाइनाइट माइनस प्लस वन अपन आर, या डायरेक्ट आपका यहाँ आंसर आ गया एफ नेट इक्वल टू के क्यू लेमडा अपन, लिख लो फिर समझा देंगे। चलिए देखिए, चलो इस क्वेश्चन को देखिए, बात नहीं करो बहुत आज तो कट करना पड़ेगा यार। नेक्स्ट टॉपिक देखिए,
नेक्स्ट टॉपिक है आपका एक डिस्क, डिस्को भांगड़ा। क्या है? डिस्को भांगड़ा डिस्क है। क्या है? डिस्क, गोली डिस्क। इसके कारण अगर वैद्युत क्षेत्र निकालना हो तो क्या करोगे? अब इस पे मान लो चार्ज पूरे पृष्ठ पर, ठीक है, और इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल आर। ठीक है, इस पे जो चार्ज है वो क्या है? प्लस क्यू, मान लो प्लस क्यू रूप से डिस्ट्रीब्यूट है पूरे इसके सरफेस पे। तो इस पे जो चूंकि पृष्ठ पर पूरा डिस्ट्रीब्यूट है तो इसको क्या कहोगे? पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो आपको इस पूरे गोली के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकालोगे? उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले छोटे छोटे रिंग के रूप में तोड़ सकते हो कि नहीं? रिंग के रूप में हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, रिंग के रूप में, एक छोटा सा रिंग के रूप में तोड़ो और इसका रेडियस मान लो कितना? स्मॉल आर, स्मॉल आर, एक रिंग के रूप में तोड़ दिए। अब यहां पे एक चीज बताओ, चूंकि इस पे चार्ज कितना है? क्यू, तो क्यू की वैल्यू जानते हो क्या लिखोगे? सिग्मा टू ए, सिग्मा इंटू ए, क्यू इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी? छोटे पार्ट में तोड़ दो, इसका एक रिंग ले लो, यानी इसको हम एक रिंग के रूप में बना लें। किस रूप में? एक रिंग के रूप में। और इसका रेडियस क्या ले लो? आर। क्या ले लिया जाए? आर, रेडियस ले लो आर। इसमें एक छोटे से पार्ट में रिंग के रूप में तोड़ा गया और उसकी रेडियस कितनी है बताओ? कितना है? स्मॉल आर, स्मॉल आर, एक छोटा सा पार्ट के रूप में आप रिंग के रूप में तोड़े, कितना? स्मॉल आर। और इसका थिकनेस कितना हो जाएगा? भाई गोला है ना, तो जब तोड़ोगे तो ऐसे आएगा चक्के के रूप में, ठीक। तो इसका थिकनेस मान लो कितना? डी आर। तो इस पे चार्ज भी कितनी होगी? डी क्यू, डी क्यू इज इक्वल टू कितना होगा? सिग्मा इंटू पूरा आपका क्या होगा? डी ए, मतलब पूरी एरिया जब निकालोगे इसका, तो इसका पूरा सर्क्यूफेरेंस कितना होगा? टू पाई आर डी आर, लंबाई गुणे चौड़ाई, पूरी इसकी लंबाई टू पाई आर इंटू चौड़ाई डी आर, ठीक है। और ए, इसकी भी वैल्यू अगर आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? टू पाई आर इंटू आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, नहीं होगा, फोर पाई आर स्क्वायर लिखोगे, क्या लिखोगे? हाँ, तो इसमें चौड़ाई वगैरह नहीं है ना, पूरा पृष्ठ है, तो उसको ए रहने दो, कोई बात नहीं, इसको रेस कर देते हैं, वो नहीं होगा, इसको आप सिग्मा इंटू ए ही रहने दो, ठीक है, ठीक है। देखो ये क्या हो गया? सिग्मा, क्योंकि देखो कट करोगे जब उसको डिस्क को, तो ए रिंग के रूप में निकलेगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? सिग्मा टू पाई आर इंटू डी आर। और यहां से एक्स डिस्टेंस पर, कहां पे? एक्स डिस्टेंस, इसके वजह से आप निकाल रहे हो, तो क्या निकालोगे बताओ? डी इज इक्वल टू, डी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? के, के डी क्यू, के रिंग की वजह से क्या पढ़े हो? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पर डी क्यू वैल्यू क्या लिखोगे? सिग्मा टू पाई आर इंटू डी आर अपान आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि इसके वजह से निकालने हो, स्मॉल आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे थ्री बाई टू। के सिग्मा टू पाई आर इंटू डी आर, अब या इसको ये लिख सकते हो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? के की जगह क्या रखो? वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, चलो यहां पे लिख देता हूं, वन अपान फोर पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा टू पाई आर टू, अरे यहाँ पे क्या होगा? स्मॉल आर होगा, सॉरी क्या होगा? स्मॉल आर इंटू डी आर, यहाँ स्मॉल आर होगा, कैपिटल आर लिखा दिया क्योंकि ये छोटे के लिए निकाल रहे हो ना, टू पाई आर इंटू डी आर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे थ्री बाई टू। अब बताओ फोर पाई से क्या कैंसिल हो गया? टू कैंसिल हो गया, क्या बचा? टू केवल, क्या बचा? टू केवल बचा, पाई से पाई कैंसिल हो गया, यानी डीई की वैल्यू क्या निकला बताओ? सिग्मा, सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट, यहां देखो एक्स छोड़ दिया हूं, एक्स
यहाँ पे x छूट गया, देखो यहाँ पे क्यू एक्स होता है ना, क्या होता है क्यू, यहाँ पे क्या हो गया x, यहाँ क्या बचा सिग्मा x, यहाँ क्या बचा बताओ, क्या बचा r इंटू डी आर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे थ्री बाई टू, एक क्या निकला डी की वैल्यू। एक बार फिर देख लो इसको, एक छोटे से ये पूरा रिंग ले लो, इसको छोटे से रिंग के रिंग में तोड़ा गया, कितना रेडियस पे आर पे, तो मोटा थिकनेस कितना हो गया डी आर, तो यहाँ पे चार्ज भी कितना होगा डी क्यू, क्योंकि पूरे चार्ज कितना है क्यू है, तो डी क्यू कर लो क्या होगा सिग्मा इंटू ए यानी डी ए, डी ए मतलब इसका पूरे चौड़ा यानी क्षेत्रफल, पृष्ठ का इसका पूरा क्षेत्रफल क्या हो जाएगा टू पाई आर सर्क्यूफेरेंस इंटू डी आर। अब इस डी क्यू की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालोगे, रिंग है तो रिंग की वजह से पढ़े हो क्या इज इक्वल टू के क्यू एक्स, यानी के क्यू की वैल्यू सिग्मा टू पाई आर इंटू डी आर इंटू एक्स अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर थ्री बाई टू, या डी इज इक्वल टू वन अपन फोर पाई एप्सिलॉन, रख दोगे ना के की वैल्यू एक कैंसिल हो जाएगा, तो ए वैल्यू आपकी डी निकला, कितना निकला डी, और हमको निकालना क्या है टोटल ई, तो ई नेट कैसे निकालोगे, ई नेट इज इक्वल टू क्या करोगे समाकलन करोगे, पूरा क्या लिखोगे सिग्मा एक्स अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट आर इंटू डी आर अपॉन अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे थ्री बाई टू, कहां से कहां तक बताओ, कहां से कहां तक बताओ, कहां से कहां तक निकालोगे, जीरो से आर तक, जीरो से आर तक लिखोगे ना, जीरो से आर तक, जीरो से कैपिटल आर तक, ठीक है ना। अब इसको आप लिख सकते हो ई नेट इज इक्वल टू, क्यों जीरो से आर लिया गया है, क्योंकि देखो ये छोटा सा पार्ट लिया हो ना, तो सबसे छोटा क्या जीरो आओगे, फिर यहां से बढ़ते बढ़ते कहां आना है आर तक, इसीलिए जीरो से यानी न्यूनतम मान से अधिकतम तक जाना है, जीरो से आर तक, यहां पर देखो ये कॉमन हो जाएगा सिग्मा एक्स अपान टू एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, और यहाँ पे क्या बच गया बताओ आर इंटू डी आर अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे थ्री बाई टू जीरो टू। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, तो क्या करोगे फिर वही प्रक्रिया अपनाओ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, ये हो गया जीरो, यह क्या बच गया टू एक्स इंटू डी एक्स, नहीं यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, ये क्या चेंज हो रहा है आर स्क्वायर प्लस एक्स टी स्क्वायर, ये चेंज क्या एक्स तो चेंज होगा नहीं, चेंज आर हो रहा है, तो आर का इंटीग्रेशन करोगे क्या लिखोगे टू आर इंटू डी आर, और ये हो गया जीरो इक्वल टू टू टी इंटू डी टी, समझे ना, क्योंकि आर चेंज हो रहा है एक्स नहीं चेंज हो रहा है, टू से टू कैंसिल, तो आर इंटू डी आर की जगह क्या लिखोगे टी इंटू डी टी, तब यहां पर रखो ई नेट सब एक ही जैसा है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा टू एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन क्या हो गया बताओ, इंटीग्रेशन क्या लिखोगे आर इंटू डी आर की जगह क्या लिखोगे टी इंटू डी टी, और नीचे क्या हो जाएगा टी क्यू, जैसे इसके पहले बताया हूं टू टू कैंसिल, टी से टी टी स्क्वायर बचा, अब बताओ अब इसको लिमिट चेंज हो जाएगी किस रूप में, टी के रूप में चेंज करना होगा टी, तो कैसे करोगे यहाँ पे पहले देखो क्या है जीरो, कितना है जीरो, तो आर इक्वल टू जीरो, आर इक्वल टू टी इक्वल टू क्या हो गया एक्स, अब आर इक्वल टू क्या लिखोगे कैपिटल आर, अरे जीरो से आर है ना, तो फिर आर की जगह कैपिटल आर रखोगे तो टी इक्वल टू क्या आ जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स, को नहीं समझे, अरे यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर रखोगे प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, टी सो टी इक्वल टू करोगे तो अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है समझ में आया, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो सिग्मा एक्स अपान टू एप्सिलॉन नॉट, अब यहाँ पे एक चीज बताओ अभी आप किए हो उसके पहले वन अपान टी स्क्वायर होगा ना, और उसका इंटीग्रेशन किया तो माइनस वन अपान टी, माइनस वन अपान टी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब आप यहां वैल्यू रख दो क्या रखोगे अपर लिमिट और लोअर लिमिट की वैल्यू रखोगे यहां पे, तो ई नेट इक्वल टू क्या मिलेगा सिग्मा एक्स अपान
टू एप्सिलॉन नॉट, और यहां पे हम रख सकते हैं क्या बताओ, ये रखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं यहां लिख दे पहले क्या, वन अपॉन यक्स, वन अपॉन यक्स माइनस वन अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, ये हो गया, ये आपको क्या गया आंसर। या आप इसी चाहो तो अगर एक्स इसमें अप्लाई कर दो यहाँ पे, ये तो आंसर हो गया आपका, लेकिन इसको और भी छोटा कर सकते हैं, जैसे एक्स यहां लाओ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बताओ क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस एक्स अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्या निकल गया फाइनल आंसर। ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपान